संपूर्ण विश्व में शिक्षा के प्रकाश के प्रसार महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के महामना सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को सादर नमस्कार एवं अभिनंदन। आज हम सब यहाँ विश्वविद्यालय के तत्वाधार में संचालित विद्यालयों यथा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एवं श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय की कुछ कक्षाओं में ई लॉटरी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया के साक्षी बनने हेतु उपस्थित हैं। आज जिन कक्षाओं में प्रवेश हेतु ई लॉटरी की प्रक्रिया संपादित की जानी है वे हैं बाल वाटिका 2 अर्थात LKG, बाल वाटिका 3 अर्थात नर्सरी कक्षा 1 व कक्षा 6। विश्वविद्यालय द्वारा इन विद्यालयों के सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु स्कूल बोर्ड का गठन किया गया है, जिसकी उपाध्यक्षा महोदया माननीय डॉक्टर सुषमा भिंडियाल मैम आज यहाँ इस लॉटरी की हमारे साथ उपस्थित हैं। समस्त विद्यालय परिवार आपका स्वागत अभिनंदन करता है। साथ ही स्कूल बोर्ड के अन्य गणमान्य सदस्य, विश्वविद्यालय लॉटरी समिति के माननीय सदस्य, कंप्यूटर सेंटर हमारे वरिष्ठजन, तीनों विद्यालयों के प्राचार्य, पीपीसी सदस्य एवं वरिष्ठ शिक्षक कार्यक्रम संपादन हेतु यहाँ उपस्थित मैं सीमा सिंह विद्यालय की लॉटरी समिति का करते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ एवं आभार प्रकट करती हूँ। हम सबके साथ यहाँ विद्यालयों में प्रवेश के आकांक्षी पाले जो हैं या बच्चे उनके अभिभावक गण इस पारदर्शी प्रक्रिया को देखने हेतु यहाँ उपस्थित हैं। समस्त विद्यालय परिवार आप सबका स्वागत करता अभिनंदन करता एवं शुभकामनाएं। अब कार्यक्रम के औपचारिक आरंभ हेतु आदरणीय गणमान्य सदस्यों के साथ मंच पर पदार्पण करें व माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम कराकर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। व्यूअर्स के व्यू आ रहे हैं तो साउंड डबल आ रहा है, डबल साउंड आ रहा है, इको हो रहा है, खत्म हो गया, खत्म हो गया, वो ठीक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हम विद्या की देवी माता सरस्वती एवं हम सब के पूज्य भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय अपने अंदर प्रकाशित ज्ञान की ज्योति से आगामी पीढ़ी को यथाशक्ति प्रकाशित करते रहें, जिससे हमारा समस्त समाज पुष्पित एवं पल्लवित हो सके। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के साथ हम माता सरस्वती की वंदना करते हैं। या कुंडेन्दु तुषार हार धरुला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा व
ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत भिन्न देवै सदा वंदिता सामान पातु सरस्वती भगवती निशेष जाता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय उपाध्यक्षा महोदया स्कूल बोर्ड डॉक्टर सुषमा मैम से सादर निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमारे अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें एवं अपने आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय सुषमा मैम। धन्यवाद सीमा जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महावना की बगिया में जो हमारे तीन स्कूल हैं, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, इन तीनों स्कूलों की आज ई लॉटरी की प्रक्रिया होनी है और आप सभी आगंतुक जो इस उपलक्ष्य में हमारे बीच सम्मिलित हुए हैं, आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज की जो प्रक्रिया हो रही है ई लॉटरी की प्रक्रिया, इसमें हमारी चार कक्षाओं की प्रक्रिया होनी है ई लॉटरी की, जिसमें बालवाटिका 2, बालवाटिका 3, कक्षा 1 एवं कक्षा 6 की प्रक्रिया होगी। और इस उपलक्ष्य में आप सभी आगंतुक, खासकर हमारे ई लॉटरी के मेंबर्स जिसमें प्रोफेसर जीपी सिंह सर इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे, उनके सभी सदस्यगण, हमारे कंप्यूटर सेंटर के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संजय सिंह, उनकी टीम, हमारी जो स्कूल बोर्ड के सदस्यगण हैं, सभी सदस्यगण और जितनी भी इकाइयां इस पूरे कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए लगी हुई हैं, जैसे कि परीक्षा नियंत्रण कार्यालय, आपके सुरक्षा अधिकारी के सभी सदस्यगण, पीआरओ ऑफिस के सभी सदस्यगण और विभिन्न इकाइयां, मैं हो सकता है सभी का नाम ना ले पाऊं, और खासकर हमारे इस जो पूरी प्रक्रिया हो रही है इसको ऑब्जर्व करने के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वेशन टीम से भी सदस्यगण हैं, जिसमें प्रोफेसर पांडे हमारे बीच में हैं, तीनों स्कूल के प्राचार्यगण, शिक्षकगण और सभी अभिभावकगण जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, और आज आप लोगों को भी लॉटरी से ही बुलाया गया है। सभी लोगों को हम आमंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन सभी इस पूरी प्रक्रिया का सजीव प्रसारण हमारे बीएचयू वेबसाइट पे हो रहा है, तो जो लोग हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित नहीं भी हैं वो सभी लोग इस प्रक्रिया को ऑनलाइन इसका सजीव प्रसारण देख रहे हैं। और ये सारी प्रक्रिया हमारे कुलपति महोदय जो इस स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं प्रोफेसर सुधीर जैन जी, उनके ही मार्गदर्शन के अंदर ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि जितना भी जो भी लॉटरी की प्रक्रिया होगी उसके अंदर आप सभी लोग जो हैं संतुष्ट होके जाएंगे, क्योंकि ये पूरी पारदर्शिता से हो रही है। इसमें विभिन्न क्लासों के साथ साथ जो विभिन्न कक्षाएँ हैं उनके विभिन्न वर्गों की भी जो है वो लॉटरी होनी है। तो ये सारी प्रक्रिया आप सबके सम्मुख है। आप सभी जितने भी यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, अभिभावकगण या छात्रगण या जो परीक्षार्थीगण हैं, उन सभी का और यूनिवर्सिटी के परिवार के विभिन्न अंगों के जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सभी का आज मैं इस पूरे कार्यक्रम में, पूरी प्रक्रिया में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और उन बच्चों को भी और उनके अभिभावकों को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप जो भी ये प्रक्रिया है, आशा करती हूँ कि आपके बच्चों का जो है वो प्रक्रिया में नाम निकले और उनका एडमिशन हो, क्योंकि ये मालवीय जी की बगिया है और ये मालवीय जी द्वारा स्थापित हमारे बहुत सबसे पुराने स्कूल हैं। और आज की जो प्रक्रिया है वो सेंट्रल हिंदू बॉयज, क्योंकि हम हर साल एक एक स्कूल को इस प्रक्रिया कराने का दायित्व देते हैं और इस साल जो दायित्व है वो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल को है, तो उनकी प्राचार्य और उनकी पूरी टीम
और ये पूरी तीनों स्कूल हालांकि मिलके करते हैं, जो ये भी जो भी प्रक्रिया हो रही है, तो उन सभी शिक्षकगण के प्राचार्यगण और आप और उनके जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सभी का मैं आज इस प्रांगण में जो इस बालिका निशूलन केंद्र के जो कोऑर्डिनेटर हैं संजय जी, उन्होंने हमें अपना ऑडिटोरियम दिया, उनके लिए भी हम आभारी हैं। और आप सभी आप लोग आज के दिन हमारे साथ उपस्थित हैं और इस प्रक्रिया को का आंखों देखा हाल देखेंगे, और मुझे उम्मीद है आप सभी इसमें प्रतिभागी रहेंगे, क्योंकि आप ही के द्वारा ये प्रक्रिया जो है वो आरंभ की जाएगी, जितने अभिभावक यहाँ बैठे हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग के विभागाध्यक्ष और एडिशनल कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर डीपी सिंह सर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं एवं इस लॉटरी की पारदर्शी प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी हमारे समस्त गणमान्य अतिथियों को दें। सर उपाध्यक्ष स्कूल बोर्ड सेंट्रल हिंदू स्कूल DHU वाराणसी, निदेशक विज्ञान संस्थान प्रोफेसर संजय कुमार जी, प्रोफेसर अखिलेंद्र पांडे लीगल एडवाइजर DHU, कोऑर्डिनेटर लीगल सेल नॉट एडवाइजर, विभिन्न समितियों के सदस्यगण, अभिभावकगण, COVID-19 में जब पहली बार प्रवेश की समस्या आई तो विचार हुआ कि बिना कागज कलम के कैसे प्रवेश दिया जाए, क्योंकि उस समय आदमी कलम भी छूने से कतराता था। तो उस समय ये बात आई कि कैसे किया जाए, तो हम लोगों ने एक तरीका इजाद किया और तब से यह तरीका हम लोग अप्लाई करते आ रहे हैं एडमिशन के लिए। कोविड के समय में हम लोगों ने हर क्लास में लॉटरी से अटेंडिंग सिलेक्शन किया था। बाद के वर्षों में जैसे जैसे स्थिति सामान्य हुई तो कुछ हम लोगों ने प्रवेश परीक्षा के द्वारा लेना शुरू किया और कुछ ई लॉटरी से। ई लॉटरी कुछ ऐसा कुछ खास चीज नहीं है, यह एक सिंपल प्रक्रिया है लॉटरी निकालने का, और केंद्रीय विद्यालय हमारा सेंट्रल हिंदू स्कूल पहले भी ये करता था, कोविड के पहले भी करता था, लेकिन हम लोगों ने उसको थोड़ा सा और वैज्ञानिक रूप दे दिया है। पहले क्या होता था कि जो प्रवेश पत्र बच्चों को जारी होते थे वो एक लिफाफे में रख करके एक बक्से में डाल दिया जाता था, और फिर अभिभावक लोगों से को किसी को बुलाया जाता था और कहा जाता था कि बक्से में से आप एक लिफाफे निकाल लीजिए, उस लिफाफे में जिस बच्चे का रोल नंबर लिखा हुआ है वह प्रवेश पा जाता। यही प्रक्रिया हम भी अपनाते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक रूप कह सकते हैं, वैज्ञानिक रूप कह सकते हैं, उसको हम लोग करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम करते क्या है कि जिस भी कक्षा की लॉटरी निकालनी है उसमें कुल कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए DHU में, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कॉलम में लिख लेते हैं, बच्चे का कॉलम में नाम, उनका फॉर्म नंबर। अब प्रश्न है कि लिखते कैसे हैं, अल्फाबेटिकल लिखते हैं कि उनके एज के अनुसार लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, तो हम ऐसा कोई कंसीडरेशन नहीं करते हैं। जिस बच्चे का फॉर्म हमारे पोर्टल पर
सबसे पहले आया उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद वाले को उसके बाद लिखते हैं, मतलब प्राप्ति की तारीख और प्राप्ति का समय इसके आधार पे हम उसको लिखते हैं कालम। मान लिया कि आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही है और इसके पहले कालम में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, मतलब कि ये बच्चे का फॉर्म नंबर है, जब जमा करता है तो कंप्यूटर उनको एक सीरियल नंबर देता है। दूसरे में नाम लिखा है और यह प्राप्ति की तिथि और समय के अनुसार मान लेते हैं कि लिखा है, जब हम ओरिजिनल लॉटरी कराएंगे तो आपको वो भी दिखेंगे, है ना बेटा, डेट एंड टाइम, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्या कि कुल कितने बच्चे हैं सर इस लिस्ट में, 200 बच्चों को समान संभावना के साथ इनके सामने एक नंबर लिखवाएंगे जो कि कंप्यूटर लिखते हैं, जिसे कहते हैं रैंडम नंबर। तो हम इनके सामने रैंडम नंबर लिखवाएंगे। अब रैंडम नंबर लिखने की बहुत सारी लॉजिक होती है। एक लॉजिक होती है कि सबको समान अवसर दीजिए, कुछ लॉजिक होती है कि कुछ को ज्यादा अवसर दीजिए, कुछ को कम अवसर दीजिए, और इसके आधार पर अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम बोले जाते हैं। जो लॉजिक सबको समान अवसर देती है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म लॉ। तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से कहेंगे कि यूनिफॉर्म लॉ से इनके सामने नंबर लिख दो। जब वो नंबर लिख देगा तो हम उस नंबर को एक तरह से परसेंटाइल समझकर सॉर्ट कर देंगे और जिसके सामने बड़ा नंबर आया वो मेरिट में ऊपर, उसके बाद वाला नेक्स्ट, उसके बाद वाला नेक्स्ट। बस हमारी यही सिंपल प्रक्रिया है। हम उस प्रक्रिया को दिखाना चाह रहे हैं। आपके सामने रैंडम कॉलम एक दिख रहा है जहां रैंडम लिखा हुआ है, वहां पे अभी हम कंप्यूटर से इसे निकलवाएंगे। हमारे जो सहयोगी हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सब शुरू करिए। हाँ, ये जो हम काम कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एक्सेल सॉफ्टवेयर के द्वारा कर रहे हैं और एक्सेल सॉफ्टवेयर में एक टैब है जिसे कहते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस टैब में रैंडम नंबर जनरेशन का एक फैसिलिटी है, हम उस फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं। यह फैसिलिटी पहले पूछता है कि कितने आपके पास वेरिएबल हैं, मींस कितने कॉलम में, सिंपल बात है कितने कॉलम में आपको रैंडम नंबर चाहिए। तो हमें केवल एक कॉलम में चाहिए, रैंडम वाले कॉलम में, तो हम वहां टाइप करेंगे 1। फिर ये पूछता है कि कितने नंबर चाहिए, तो हमारे पास 200 बच्चों की लिस्ट है तो हमने लिख दिया 200। फिर ये पूछता है कि किस लॉ से चाहिए, जरा सा इसके उस पर टाइप पे करिएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट लॉ लिखे हुए हैं, हमने बताया कि हम इक्वल संभावना के साथ लेना चाहते हैं, इसलिए हम यूनिफॉर्म लॉ सेलेक्ट करेंगे। अब ये पूछेगा कि यूनिफॉर्म लॉ से आपको नंबर किसके किसके बीच में चाहिए। अमूमन परसेंटाइल हमारा डेसिमल होता है, इसलिए हम कहेंगे कि 0 और 1 के बीच में दे दो। इसके बाद नेक्स्ट है रैंडम सीट। रैंडम सीट कभी हमेशा रैंडम नंबर जनरेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कंप्यूटर जनरेट करते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, उस स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं रैंडम सीट। ये आप दे सकते हैं, ये आप नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप इसे देते हैं तो फिर से आप अपनी प्रक्रिया को दोबारा शो कर पाएंगे। अगर आप नहीं देंगे तो कंप्यूटर अपने मन से एक स्टार्टिंग पॉइंट लेगा और वो उसने क्या लिया ये आप जान नहीं पाएंगे, इसलिए आप अपनी प्रक्रिया को दोबारा दिखा नहीं पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे। एक्सेल क्या है कि ये नंबर मैक्सिमम 4 अंकों का हो सकता है, तो कोई एक नंबर हम बोल लेते हैं सर
श्री कृष्णा जी बोलिए 35 सर ने बोला है तो हम अब अपना रेंडम स्टार्ट 35 ले रहे हैं। इसके बाद ये पूछेगा कि मैं नंबर कहां पर लिखूं, तो हमें उस जगह को बताना होगा कि इस रेंडम वाले खाने के नीचे लिखो। अब जैसे ही हम करेंगे ओके, हर बच्चे के नाम के सामने एक नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ गया। अब इसी नंबर्स को हम रैंक कर देंगे टॉप टू लो, तो हम इसको सॉर्ट करेंगे। और अब देखें जो लड़का पहले हमारे कॉलम में सीरियल नंबर 1 पे था वो पता नहीं कहां चला गया, सीरियल नंबर 38 पे जो लड़का था उसके सामने हाईएस्ट नंबर आया है। तो अब हम लोग इसको रैंकिंग दे देंगे और ये हमारा 200 बच्चों का मेरिट ऑर्डर तैयार हो गया। अगर हमारे पास 5 सीट है इस विषय में तो हम ऊपर से 5 को कलर कर देते हैं। सर कलर कर दीजिए ताकि स्कूल बोर्ड के लोगों को आराम रहे ये देखने में कि ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अगर ये बच्चे नहीं ज्वाइन किए तो आगे की मेरिट प्रिपेयर है, वो लोग आगे का नेक्स्ट को कॉल करते हैं, उनको फिर अवसर देते हैं। तो यही हमारी एक सिंपल प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग करते आए हैं। अगर किसी अभिभावक को कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है मैडम, धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि इस पारदर्शी प्रक्रिया की जो पद्धति है उसे हम सब ने बेहतर तरीके से समझा है। अभी हमने वो जो रैंडम सीट पूछा था वो रैंडम सीट हमने सर से पूछ लिया था, हो सकता है कि सर मेरे रिलेटिव हो, मैंने उनसे पहले कह दिया हो कि आप 35 बोलिएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग जब रैंडम सीट की बारी आएगी तो गार्जियंस को बुलाएंगे और यहाँ पे आपके सामने एक बहुत बड़ा शीशे का जार रखा हुआ है। इस जार में बहुत सारे नंबर कागज पे प्रिंट करके रखे हुए हैं। जो भी अभिभावक आएंगे वो जितने मन करे उतने उसमें से चिट निकाल लें और उसमें से कोई 4 नंबर, कोई 3 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई 1 नंबर, जैसे उनकी इच्छा हो वैसा वो बोलेंगे, हम लोग उसी से निकालेंगे। लेकिन जो भी वो बोलेंगे वो मेरा डॉक्यूमेंटेड होगा, इसी फाइल पे प्रिंट रहेगा कि रैंडम सीट क्या था। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन है जो रैंडम प्रक्रिया है इसमें कि एज पर जो गवर्नमेंट की जो कैटेगरी की जो रूल्स है वो फॉलो है या नहीं? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी अगर रैंडम प्रक्रिया करती है तो यही करती है। गवर्नमेंट जो सॉफ्टवेयर यूज करती है केंद्रीय विद्यालयों में, आप अपनी आंख से नहीं देख सकते हो कि कैसे हो रहा है। मैं आपको एवरीथिंग आपके आपके सामने दिखा रहा हूं, मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा हूं पर्टिकुलर इस पर्पज के लिए। ठीक है, तो रैंडम प्रक्रिया जहां भी यूज होगी यही यूज होगी। हाँ, अगर हम 2 सॉफ्टवेयर से रैंडम प्रक्रिया यूज करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि पहले सॉफ्टवेयर ने जिसको सेलेक्ट किया दूसरे सॉफ्टवेयर का भी रैंडम प्रक्रिया उसी को सेलेक्ट करे। ये रैंडम नंबर जो जनरेटर होता है उसके प्रोग्रामिंग और उस पर डिपेंड करता है। धन्यवाद सर, उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी जो आशंकाएं हैं उनका समाधान हुआ होगा। अब मैं लॉटरी प्रक्रिया के औपचारिक आरंभ हेतु अपने सहयोगी विकास शर्मा सर से आग्रह करती हूँ कि वे आए मंच पर और अब इस लॉटरी प्रक्रिया को संचालित करें। विकास सर। धन्यवाद सीमा मैम। सर्वप्रथम मैं इस मालवीय सभागार में उपस्थित लॉटरी कमेटी के सभी सदस्यों, स्कूल बोर्ड की उपाध्यक्षा मैम, तीनों विद्यालय के प्राचार्य महोदय, विश्वविद्यालय से आए हुए विभिन्न गणमान्य अधिकारीगण,
और इस लॉटरी की प्रक्रिया को देखने के लिए आए हुए अभिभावकों का विकास चंद्र शर्मा स्कूल बोर्ड काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं स्कूल बोर्ड की उपाध्यक्षा मैम से अनुमति चाहूंगा कि इस लॉटरी की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद मैम। लॉटरी की प्रक्रिया प्रारंभ हो उसके पहले विद्यालय में सीटों की स्थिति और उनकी आरक्षण के हिसाब से कितनी सीटें हैं इसको हम लोगों को समझना होगा। सर्वप्रथम बाल वाटिका 2 की लॉटरी के लिए बाल वाटिका 2 या LKG में कुल 120 सीट्स हैं जिसमें 100% BHU का रिजर्वेशन है, अर्थात BHU एम्प्लॉयज की एडमिशन के पश्चात जो भी सीट्स बचेंगी उन्हें हम एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित करेंगे। तो BHU एम्प्लॉय वार्ड में परमानेंट स्टाफ के लिए OH या दिव्यांग कैटेगरी में 3 सीट आरक्षित थी जिनके सापेक्ष कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः ये हमारी तीनों सीट्स BHU कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित की जाएंगी। ST कैटेगरी में 9 सीट्स आरक्षित थीं जिनके सापेक्ष भी कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः ये 9 सीट्स भी BHU कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित की जाएंगी। ST कैटेगरी में 18 सीट्स अवेलेबल थीं जिनमें 3 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, इन तीनों बच्चों के एडमिशन के पश्चात 15 सीट्स रिक्त हो जाएंगी जिन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा। परमानेंट स्टाफ के लिए 32 सीट्स रिजर्व थी OBC कैटेगरी में जिनमें केवल 9 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, रिक्त 23 सीटें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। EWS कैटेगरी में 12 सीट्स रिजर्व थी जिनके सापेक्ष कोई भी आवेदन पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ये सभी सीटें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। जनरल वार्ड में 49 सीटें थीं जिनके सापेक्ष केवल 5 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और शेष बची हुई 44 सीटें BHU कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को स्थानांतरित कर दी गई हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की स्थिति इस प्रकार है कि OH कैटेगरी में जो हमारी 3 सीट स्थानांतरित होकर के आई थी उनमें भी कोई आवेदन पत्र दिव्यांग कैटेगरी में प्राप्त नहीं हुआ है, अतः ये तीनों दिव्यांग कैटेगरी की जो सीट्स हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ST कैटेगरी में 9 सीट्स थी जिनके सापेक्ष भी कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ये सभी सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। ST कैटेगरी में 15 सीट्स रिजर्व थी जिनके सापेक्ष हमें 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ भी लॉटरी की कोई आवश्यकता नहीं है और रिक्त बची हुई 13 सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। OBC कैटेगरी में 23 सीटें रिजर्व थी
जिनके सापेक्ष केवल 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, शेष बची हुई 14 सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 12 सीट्स थीं जिनके सापेक्ष हमें कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ये सभी सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई। जनरल कैटेगरी में 44 सीट्स रिजर्व थीं जिनके सापेक्ष केवल एक ही फॉर्म प्राप्त हुआ है, अतः बची हुई 43 सीट्स एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। अतः बीएचयू परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में एलकेजी एडमिशन के लिए कोई भी लॉटरी आवश्यक नहीं है। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए ओएच कैटेगरी में 3 सीट्स रिजर्व थीं जिनके सापेक्ष केवल 2 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ पर भी लॉटरी की कोई आवश्यकता नहीं है। एसटी कैटेगरी में 9 सीट्स थीं जिनके सापेक्ष 43 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, अतः हमें यहाँ पर लॉटरी की आवश्यकता है। अभी थोड़ी देर के पश्चात एसटी कैटेगरी की लॉटरी कराई जाएगी। एससी कैटेगरी में कुल 13 सीट्स रिजर्व थीं जिनके सापेक्ष 227 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर भी लॉटरी की आवश्यकता है। ओबीसी कैटेगरी में 14 सीट्स रिजर्व थीं जिनके सापेक्ष 972 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 12 सीट्स थीं जिनके सापेक्ष 109 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर भी लॉटरी कराई जाएगी। जनरल वार्ड के लिए 43 सीट्स रिजर्व थीं जिनके सापेक्ष 689 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो बाल वाटिका 2 या एलकेजी क्लास के लिए सबसे पहली लॉटरी जो होगी वो एसटी कैटेगरी के लिए होगी, जिसमें 9 सीटों के सापेक्ष 43 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। मैं अभिभावकों में से किन्हीं 2 अभिभावकों या 1 अभिभावक को आमंत्रित करूंगा कि सीट नंबर निकालने के लिए वो कृपया मंच पर आएं। एलकेजी बाल वाटिका 2 से, और कोशिश करिए कि एसटी कैटेगरी के अगर कोई अभिभावक आए हो तो कृपया वही आए। विवेक सर, नाम और सीट नंबर नोट करना होगा। जो भी अभिभावक यहाँ सीट नंबर निकालने के लिए आएंगे, वो अपना और अपने वार्ड का नाम या बच्चे का नाम एक बार बताएंगे, और उसके पश्चात सीट नंबर कैमरे पर भी 2-4 सेकंड के लिए वो फ्लैश करेंगे। हेलो, कक्षा एलकेजी अर्थात बाल वाटिका 2 से हमारे एक अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं इनका नाम पूछूंगी। मनोज कुमार जी, और आपके का वो बच्चा जिसका जिसने यहाँ पर फॉर्म भरा है, उस छात्र का नाम क्या है? नमस्वी। तो नमस्वी के पिताजी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, तो हम सबसे पहले महोदय से निवेदन करते हैं कि वे इस बाउल में जितनी पर्चियां उसको पहले अच्छे से मिला लें। धन्यवाद। अब आप इसमें से कोई भी 2 पर्ची निकालें। दोनों पर्चियों को खोल के इनमें से आपको जो भी नंबर्स लिखे हैं, कोई भी दोनों पर्चियां खोल लें। जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन दोनों में से कोई भी 4 अंक अपनी मर्जी से आपको बताने हैं, वो अंक आप बताएंगे, और ये दोनों पर्चियां आप इस कैमरे के सामने कम से कम 5 सेकंड तक रखेंगे, जिससे हमारी सारे नहीं जितने भी अंक, जैसे इस पर्ची में 5 अंक है, इसमें भी 4-5 अंक है, इनमें से कोई भी 2 अंक यहाँ से ले लीजिए, 2 अंक यहाँ से ले लीजिए, आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। 1047। और ये पर्ची आप कैमरे के सामने कम से कम 5 सेकंड तक रखें। इसमें
इसमें कई अंक हैं पर्चियों में और महोदय ने अपनी इच्छा से कोई भी चार अंक बोले हैं। अब इस पर हम लॉटरी की प्रक्रिया कराएंगे। एसटी कैटेगरी में 9 सीट आरक्षित है। लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे यहाँ पर एक से लेकर के नीचे पूरी रैंकिंग छात्रों को दी गई है। तो हमारे पास चूंकि 9 सीट्स हैं, तो 1 से 9 तक के जो छात्र हैं, उनको फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है उसमें कॉल किया जाएगा। और तत्पश्चात अगर उनमें से कोई भी छात्र प्रवेश नहीं लेता है तो उसके नीचे वेटिंग लिस्ट में जो भी बच्चे रहेंगे उनकी लिस्ट वेबसाइट पर जाएगी और वहां से उन छात्रों को पुनः आमंत्रित किया जाएगा प्रवेश के लिए। रिजर्वेशन में एक चीज ध्यान रखने की है, जितने भी ओएच कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ओएच कैटेगरी में जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेगा वो अपनी मेन कैटेगरी की लिस्ट की सीट्स में ही रिजर्वेशन पाएगा। अर्थात अगर कोई कैंडिडेट जैसे सपोज करिए कि जनरल कैटेगरी का है और वो ओएच में एडमिशन लेगा तो ओएच या जनरल कैटेगरी की 1 सीट या 2 सीट जितने भी ओएच अभ्यर्थी होंगे वो सीट्स उसकी मेन कैटेगरी से कम हो जाएंगी। अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे ने ओएच अभ्यर्थी के रूप में एडमिशन लिया है तो जनरल कैटेगरी से 1 सीट कम हो जाएगी। अगर ओबीसी कैंडिडेट आता है तो ओबीसी कैटेगरी की जितनी भी लिस्ट यहाँ अभी डिस्प्ले की गई है उससे उतनी सीट्स कम हो जाएंगी। बाल वाटिका 2 एसटी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके पश्चात मैं अभिभावकों में से चाहूंगा कि बाल वाटिका 2 एससी कैटेगरी के अगर कोई अभिभावक हो तो कृपया आ जाए बाल वाटिका 2 में एससी कैटेगरी के लिए, या बाल वाटिका 2 में किसी भी अन्य कैटेगरी के लिए अगर कोई अभिभावक हो तो कृपया आ जाए। किसी भी दूसरी कैटेगरी के अभिभावक भी आ सकते हैं।
कैसी कैटेगरी के? एक और अभिभावक हमारे साथ उपस्थित है, तो पहले आप बच्चों को मिला लें। आपका शुभ नाम? राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। और आपके ट्रॉफी आती है या बच्चे का नाम? कार्तिकेय गुप्ता। कार्तिकेय गुप्ता के अभिभावक हमारे साथ हैं और अब हम इनसे निवेदन करते हैं कि वो कोई भी दो बच्ची इस ग्राउंड में से निकालें। और इन दोनों पर्चियों में से कोई भी चार अंक आप अपनी इच्छा से बताएं, आप इस पर्ची को आप लिख देते हैं। हाँ, आप दो तीन चार कुछ भी कोई भी अंक आप बोल सकते हैं अपनी इच्छा से। 6251 6251 एलकेजी में एससी कैटेगरी की भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। एससी कैटेगरी में 13 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हुई है।
इसके पश्चात एलकेजी में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो अभिभावकों से किसी एक अभिभावक से अनुरोध है कृपया आ जाएं सीट नंबर निकालने के लिए। ओबीसी कैटेगरी में 14 सीट्स रिजर्व हैं जिनके सापेक्ष कुल 972 आवेदन हैं अपने पास। दो पर्चियां कोई भी निकाल पर्चियों में से कोई भी 2, 3, 4 अंक आप अपनी इच्छा से बोल सकते हैं। 5186 आपने यही नंबर बोला। सामने भी दिखा दे बाल वाटिका 2 एलकेजी के लिए ओबीसी कैटेगरी में जो हमें 14 अभ्यर्थी चाहिए थे उनके नाम की लिस्ट भी पास हो गई है। इसके पश्चात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी जिसमें 12 सीटों के सापेक्ष 109 आवेदन आए हुए हैं। कृपया कोई एक अभिभावक आकर सीट नंबर निकालने के लिए आ जाए। एलकेजी बाल वाटिका टू के कोई भी एक अभिभावक आकर आ जाए। कृपया अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। सोनम पांडे, आराध्या पांडे। सोनम पांडे जी हमारे साथ हैं, आराध्या पांडे की माता जी। अब आप पर्ची मिक्स करके निकाल लें, कोई भी दो पर्ची। खोल के उनमें से कोई भी 4 अंक 3 अंक 2 अंक जो आपकी इच्छा हो आप बोल सकती हैं। और उसके बाद पर्ची कम से कम 5-6 सेकंड आपको वहां दिखानी है मैडम स्क्रीन पर। 6096 इसी नंबर है।
एसटीडब्ल्यूएस कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। सीटों के सापेक्ष 109 आवेदन प्राप्त हुए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके पश्चात ईडब्ल्यूएस एलकेजी बाल वाटिका 2 में जनरल कैटेगरी की 43 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसके सापेक्ष 689 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कृपया कोई एक अभिभावक आकर जनरल कैटेगरी के लिए सीट नंबर निकालने की प्रक्रिया पूर्ण करें। सबसे पहले आप अपने नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। अंजलि सिंह, अक्षित प्रताप सिंह। अंजलि सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। अंजलि जी, कोई भी दो पर्चियां आप निकाले बाद में से। अब इसमें से आप कोई भी दो अंक, तीन अंक, चार अंक, कोई भी अंक आप बोल सकती हैं। 3615, 3615 आपने यही अंक बोले मैडम जी। अब ये पर्चियां आप जनरल कैटेगरी की लॉटरी के लिए जिसमें कुल 689 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद।
कटिहार में। एलकेजी बाल वाटिका को जनरल कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। 43 सीट्स के लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न। लॉटरी की प्रक्रिया जनरल कैटेगरी के लिए संपन्न हो गई है। 43 कैंडिडेट्स जो थे उनके नाम हमें प्राप्त हो गए हैं। जिन 44 छात्रों के नाम यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, फर्स्ट काउंसलिंग डेट पर उन छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा प्रवेश के लिए। उनमें से अगर कोई छात्र प्रवेश नहीं लेता है तो शेष मीटिंग के जो भी छात्र हैं रैंक वाइज उन्हें पुनः आमंत्रित किया जाएगा सेकंड डेट ऑफ काउंसलिंग पर। बाल वाटिका 2 के एडमिशन के लिए जितनी भी कैटेगरीज में लॉटरी की प्रक्रिया होनी थी वो सभी संपन्न हो गई है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 19 अप्रैल को बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और क्लास 1 के एम्प्लॉई कैटेगरी और पीसी कैटेगरी के एडमिशन होंगे। इसके पश्चात मेन लिस्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके नाम अभी लॉटरी में सेलेक्ट हुए हैं उनका एडमिशन 20 अप्रैल को होगा।
और इसके पश्चात जो भी सीटें रिक्त रह जाएंगी उनके एडमिशन 22 अप्रैल को किए जाएंगे। ये समस्त सूची आज आपको वेबसाइट पर शाम तक अपलोड कर दी जाएगी और बाकी जो सूचनाएं हैं काउंसलिंग की डेट इत्यादि जो सूचनाएं हैं वो भी आपको वेबसाइट से प्राप्त हो जाएंगी। एडमिशन संबंधी बाकी सभी सूचनाएं वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होंगी। बाल वाटिका 2 के पश्चात बाल वाटिका 3 या नर्सरी की कक्षाओं के लिए एडमिशन की प्रक्रिया या लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। बालवाटिका 3 अर्थात नर्सरी की जो कक्षाएं हैं वो हमारे राजीव गांधी दक्षिणी परिषद जो बरकछा में स्थित है वहां पर जो प्राथमिक विद्यालय है सेंट्रल मिडिल पॉइंट स्कूल द्वारा संचालित वहां पर ये कक्षाएं संचालित होती हैं। इसके लिए लॉटरी की प्रक्रिया भी संपन्न कराई जाएगी। वाटिका 2 या नर्सरी की कक्षाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या और संबंधित आवेदन पत्रों की संख्या निम्न प्रकार से है। अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया वो लॉटरी की प्रक्रिया तक यहाँ हमारे साथ उपस्थित रहें। बाल वाटिका 3 या नर्सरी की कक्षाओं में कुल 40 सीटें हैं जिनमें 50% बीएचयू का रिजर्वेशन है। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं और 20 सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित हैं, जिसमें बीएचयू परमानेंट स्टाफ में ओएच कैटेगरी के लिए 1 सीट आरक्षित है, जिसके सापेक्ष हमें कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः हमारी ये 1 सीट बीएचयू कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। बीएचयू परमानेंट स्टाफ के एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट आरक्षित है, जिसमें हमें कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ये 1 सीट भी बीएचयू कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। बीएचयू में परमानेंट स्टाफ की एससी कैटेगरी में 3 सीट्स रिजर्व हैं, जिनके सापेक्ष भी हमें कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ये तीनों सीटें भी बीएचयू कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। बीएचयू परमानेंट स्टाफ की ओबीसी कैटेगरी में कुल 6 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष केवल 2 आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं और रिक्त बची हुई 4 सीटें बीएचयू के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कुल 2 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष हमें 1 भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ये दोनों सीटें बीएचयू के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। बीएचयू के जनरल कैटेगरी के लिए कुल 8 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष भी हमें कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ये सभी 8 सीटें बीएचयू के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित जो सीटें हुई हैं, उसमें 1 सीट रिजर्व थी ओएच कैटेगरी के लिए, इसके सापेक्ष भी हमें कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ये सीट हमारी एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। एसटी कैटेगरी में 1 सीट रिजर्व थी, जिसके सापेक्ष हमें कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः एससी कैटेगरी की 1 सीट भी एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में बाल वाटिका 3 के लिए कुल 3 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष हमें केवल 2 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अतः बची हुई 1 सीट एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को स्थानांतरित कर दी गई है। ओबीसी एनसीएल में कुल 4 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष हमें 5 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अतः यहाँ पर हमको एक लॉटरी की आवश्यकता होगी। बीएचयू में बाल वाटिका 3 नर्सरी बीएचयू कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ओबीसी कैटेगरी में लॉटरी की प्रक्रिया अभी यहाँ पर संपन्न की जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे पास 2 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष हमें कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ये दोनों सीटें भी एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कुल 8 सीट रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष हमें केवल 2 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अतः रिक्त बची हुई 6 सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। तब बीएचयू वार्ड के कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट स्टाफ की
जितने भी कैटेगरीज हैं उनमें केवल ओबीसी कैटेगरी के लिए ही लॉटरी की प्रक्रिया कराई जाएगी। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स में ओएच कैटेगरी के लिए एक सीट रिजर्व थी, जिसके सापेक्ष हमें 4 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यहां पर भी हमें लॉटरी की प्रक्रिया करानी है। एसटी कैटेगरी में कुल 1 सीट रिजर्व थी और 1 सीट स्थानांतरित होकर के आई थी, तथा कुल 2 सीटों पर लॉटरी की प्रक्रिया कराई जाएगी, जिसके सापेक्ष हमें 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। एसटी कैटेगरी के एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की भी लॉटरी की प्रक्रिया कराई जाएगी। एससी कैटेगरी में बाल वाटिका 3 के लिए कुल 4 सीट्स रिजर्व हैं, जिनके सापेक्ष हमें 114 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में कुल 6 सीट्स रिजर्व हैं, जिनके सापेक्ष 480 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुल 4 सीट आरक्षित हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए, जिनके सापेक्ष हमें 56 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया कराई जाएगी। जनरल कैटेगरी में कुल 14 सीट रिजर्व हैं, जिनके सापेक्ष 290 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो सबसे पहले बाल वाटिका 3 नर्सरी में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया कराई जाएगी, जिसमें 4 सीट हैं हमारे पास और कुल 5 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कोई एक अभिभावक आ जाएंगे सीट नंबर निकालने के लिए बाल वाटिका 3 से, बाल वाटिका 3 से कोई भी एक अभिभावक आकर कृपया सीट नंबर निकाल दे। बाल वाटिका 3 BHU कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ओबीसी कैटेगरी के लिए, जिसमें कुल 5 आवेदन है और 4 सीट्स हैं। बाल वाटिका 3 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके पश्चात दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसमें 1 सीट रिजर्व है दिव्यांग वर्ग के लिए और हमारे पास कुल 4 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।
मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि दिव्यांग वर्ग में जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं चार, इनमें से दो जनरल कैटेगरी के हैं, एक एससी का और एक ईडब्ल्यूएस का। जिस भी अभ्यर्थी का दिव्यांग वर्ग में एडमिशन होगा वो अपनी मेन जनरल एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एक सीट के अंतर्गत ही उसका रिजर्वेशन होगा, तो फाइनल लिस्ट से वो एक संख्या कम हो जाएगी। विभागक बाल पार्टी का तीन से आ जाए ओएच कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए सीट नंबर बोलने के लिए कोई भी एक अभिभावक आ जाए। मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं, अब आप कोई भी पर्ची उसमें से निकाल लीजिए। कोई दो तीन चार अंक आप अपनी इच्छा अनुसार इन पर्ची में से बोल सकते हैं। 2577 2577 इट मीन्स 2577 ओके। ये पर्ची आप सामने कैमरे में दिखा दें। 2577 ये सीट नंबर है बाल वाटिका तीन एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की ओएच अभ्यर्थियों की लॉटरी के लिए। धन्यवाद। इसमें हमारे पास कुल चार आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और एक सीट रिजर्व है दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी के लिए। चार आवेदनों में दो जनरल कैटेगरी के हैं, एक एससी कैटेगरी का और एक ईडब्ल्यूएस का। जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होगा वो अपनी मेन कैटेगरी की एक सीट के अंतर्गत ही एडमिशन पाएगा। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के दिव्यांग वर्ग की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। मैं एक बार फिर समझ ले, अभिराज पांडे जनरल कैटेगरी के जिस बच्चे का नाम है, अगर इन्होंने एडमिशन लिया तो जनरल कैटेगरी में जो 14 सीट्स हैं एडमिशन के समय पर वहां पर केवल 13 सीट ही रह जाए। अगर अभिराज पांडे की जगह किसी दूसरे बच्चे ने लिया जो दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो जो नीचे कैटेगरी में जो सीट्स हैं उससे भी एक सीट फिर संबंधित कैटेगरी की कम हो जाएगी। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के ओएच या दिव्यांग वर्ग की लॉटरी के पश्चात एसटी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कोई एक अभिभावक कृपया यहाँ आ जाए सीट नंबर निकालने के लिए। बाल वाटिका तीन नर्सरी में एसटी कैटेगरी के लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कोई भी एक अभिभावक यहाँ आ जाए। एसटी कैटेगरी में एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए एक सीट रिजर्व थी और एक सीट हमारी बीएचयू वार्ड से ट्रांसफर होकर आई थी। कुल दो सीट है जिनके सापेक्ष 12 आवेदन पत्र हमारे पास है। इन 12 आवेदनों में से इन्हीं दो व्यक्तियों का एडमिशन होना है, अतः यहाँ पर हमें लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न करानी होगी। सर्वप्रथम आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। मुकेश कुमार गोंड, बच्चे का नाम मानसी। मुकेश कुमार गोंड जी हमारे सामने,
सर अब आप पर्चियां मिला करके निकाल लें, कोई भी पर्ची। इन पर्चियों में से कोई भी दो तीन चार अंक आप अपनी इच्छा अनुसार बता सकते हैं। ये सीट नंबर है बाल वाटिका 3 एसटी कैटेगरी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया 2398। कुल 12 आवेदन है और सीट्स अवेलेबल 2। धन्यवाद सर। समस्त अभिभावकों से अनुरोध है कि जब तक हमारी ये लॉटरी की संपूर्ण प्रक्रिया चल रही है आप धैर्य पूर्वक हमारा साथ यहाँ पर बने रहें। आप सबके लिए यहाँ पर लंच की भी व्यवस्था है, अतः आप कृपया पूरी लॉटरी प्रक्रिया को देखें, उसे समझें। लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। एसटी कैटेगरी के लिए 2 अभ्यर्थी 2 सीट अपने पास रिजर्व थी, इसके सापेक्ष 12 आवेदन थे। लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। एसटी कैटेगरी की भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात बाल वाटिका 3 एससी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जिसमें हमारे पास कुल 4 सीट्स रिजर्व हैं और कुल 114 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कृपया कोई भी एक अभिभावक आकर सीट नंबर निकालने की प्रक्रिया को संपन्न कराएं। कोई भी एक अभिभावक आ सकते हैं। अगर बाल वाटिका 3 के अभिभावक नहीं है तो किसी अन्य क्लास के भी अन्य कक्षा के भी अभिभावक आ सकते हैं। रीना श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। मैडम आप पर्चियां मिला करके कोई भी पर्ची निकालें और मैं कोई भी अपनी इच्छा अनुसार बोल सकती हैं। एट एट सेवन सेवन आपने यही अंक बोले मैडम। पर्ची आप सामने दिखा दें। 8877 सीट नंबर प्राप्त हुआ है एससी कैटेगरी के लिए बाल वाटिका 3 में लॉटरी की एससी कैटेगरी की जो लॉटरी होनी है उसके लिए 8877।
धन्यवाद मैम। कुल 114 आवेदक पत्र है और 4 सीट है। बाल वाटिका 3 एससी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। बाल वाटिका 3 एससी कैटेगरी के पश्चात ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसमें कुल 6 सीट अवेलेबल हैं, जिनके सापेक्ष 480 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कोई एक अभ्यर्थी अभिभावक कृपया यहाँ पर आ जाए सीट नंबर निकालने के लिए। बाल वाटिका 3 में ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न करा देंगे। अपना नाम बताएं और अपने बच्चे का नाम। अभिषेक कुमार, रियांशु कुमार। अभिषेक कुमार, रियांशु कुमार। रियांशु कुमार, अब आप कोई भी पर्चा दिखा सकते हैं। यही नंबर बोले आपने? 8315। हाँ, पर्चा सामने दिखा दें। 8315 सीट नंबर प्राप्त हुआ है ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया के लिए। बाल वाटिका 3 ओबीसी की कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया के लिए 8315। आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और कुल 6 सीटें रिक्त हैं। बाल वाटिका 3 ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जिसमें 6 अभ्यर्थियों का लॉटरी के द्वारा नाम सेलेक्ट हो चुका है। इसके पश्चात बाल वाटिका 3 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कृपया कोई एक अभिभावक आकर सीट नंबर निकालने के लिए यहाँ पर आ जाए। बाल वाटिका 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी एक अभिभावक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुल 4 सीट रिक्त हैं, जिनके सापेक्ष
56 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। कृपया पुनः बोलें। हमारा नाम शिव शंकर जी है, अभ्यर्थी करना बनका जो है बेटी। शिव शंकर जी हमारे साथ हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ कि आप बॉल में से पर्चियां मिला सकते हैं, कोई भी दो पर्ची एक पर्ची निकाल दें। एक पर्चियों में से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अंक बोल सकते हैं। आपने ये अंक बोले सर। अब ये पर्ची आप सामने स्क्रीन पर दिखा दें। 5841 ये सीड नंबर है, बाल वाटिका 3 EWS कैटेगरी की लॉटरी के लिए। 4 अंक ही बोले, और पर्चियां भी चाहें तो आप 1 निकालें 2 निकालें 3 निकालें 4 निकालें और चारों पर्चियों में से आप 1-1 अंक बोले। बाल वाटिका 3 EWS कैटेगरी की 4 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके पश्चात बाल वाटिका 3 में केवल 1 कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, जिसकी लॉटरी होनी है। जनरल कैटेगरी बाल वाटिका 3 में कुल 14 सीटें रिक्त हैं, जिनके सापेक्ष 290 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन 14 सीटों पर लॉटरी के लिए कृपया कोई एक अभिभावक आ जाए और अपने इच्छानुसार 1, 2 या 3 पर्ची निकालकर, या उसमें से 2 डिजिट 3 डिजिट कोई भी डिजिट का नंबर आप बोल सकते हैं। जब तक ये लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, मैं एक बार फिर बता दूं कि बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और क्लास 1 में एडमिशन के लिए 19 अप्रैल को एम्प्लॉय वार्ड और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों का एडमिशन होगा। इसके पश्चात 20 अप्रैल को मेन लिस्ट के अभ्यर्थियों का एडमिशन होगा और 22 तारीख को वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों का एडमिशन होगा। बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और क्लास 1। अब आप अपना नाम बताएं और अपने बच्चे का नाम। मेरा नाम सोमेश मिश्रा है और बच्चे का नाम है राजेश। सोमेश मिश्रा, राजशेखर मिश्रा के पिता जी हमारे साथ हैं और अक्सर आप 2 पर्चियां 1 पर्ची निकाल ली है आपने। अब आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अंक बोले, 2 अंक 3 अंक 4 अंक। 1548 ये 4 अंक उस पर्ची में। अब अपनी इच्छा अनुसार बोले। अब पर्ची सामने दिखा एक बार पुनः। आप नाम नंबर बोल सकते हैं। 1548 पर्ची एक बार। धन्यवाद।
बाल वाटिका 3 में 14 सीट के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। एक बात ध्यान देने वाली है कि पीसी कैटेगरी में जो पहला नाम था वो जनरल कैटेगरी के बच्चे का नाम था। अगर उस अभ्यर्थी ने एडमिशन लिया तो एडमिशन के समय मेन लिस्ट में यहाँ केवल 13 अभ्यर्थियों का ही एडमिशन होगा और जो 14वां नाम यहाँ पर है वो वेटिंग लिस्ट के द्वारा ही एडमिशन पाएगा। के साथ बाल वाटिका 3 में भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अगली कक्षा जिसमें लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी वो है क्लास 1। क्लास 1 में अभिभावकों से पुनः अनुरोध है कि कृपया वो धैर्यपूर्वक हमारा साथ दें और इस पूरी लॉटरी की प्रक्रिया को देखें। क्लास 1 में एडमिशन के लिए कुल 2984 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कक्षा 1 के जो एडमिशन है इसमें 50% BHU एम्प्लॉयज का आरक्षण है, अर्थात 20 सीटें BHU वार्ड के लिए आरक्षित हैं और 20 सीटें एक्सटर्नल वार्ड के लिए आरक्षित हैं। BHU के परमानेंट स्टाफ के लिए OH कैटेगरी में 1 सीट रिजर्व है जिसके सापेक्ष कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये सीट BHU के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। BHU के परमानेंट स्टाफ की ST कैटेगरी में 1 सीट आरक्षित है जिसके सापेक्ष भी हमें कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ये सीट भी BHU के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। BHU में क्लास 1 में ST कैटेगरी में कुल 3 सीट रिजर्व हैं जिनके सापेक्ष हमें केवल 2 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः 1 सीट हमारी रिक्त हो गई है। यहाँ पर भी लॉटरी की आवश्यकता नहीं है, जो 1 सीट रिक्त हुई है ये BHU के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। क्लास 1 में परमानेंट स्टाफ की OBC कैटेगरी के लिए कुल 6 सीट रिजर्व थी जिनमें 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और 3 सीट रिक्त रह गई हैं। ये तीनों रिक्त सीटें BHU के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। EWS कैटेगरी में कुल 2 सीट रिजर्व थी जिनके सापेक्ष 1 भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और ये दोनों सीट्स BHU के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। जनरल वार्ड की 8 सीटों के सापेक्ष केवल 3 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः शेष बची हुई 5 सीटें BHU के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। अब BHU कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में OH कैटेगरी में 1 सीट अवेलेबल थी जिसके सापेक्ष कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अतः दिव्यांग वर्ग की यह सीट BHU के एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। ST कैटेगरी में हमारे पास 1 सीट अवेलेबल थी जिसके सापेक्ष 1 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, अतः यहाँ पर लॉटरी की कोई आवश्यकता नहीं है। ST कैटेगरी में 1 एप्लीकेशन फॉर्म है और 1 सीट अपने पास रिजर्व है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए, अतः यहाँ पर भी लॉटरी की आवश्यकता नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की OBC कैटेगरी के लिए 3 सीट्स रिजर्व थी जिनके सापेक्ष 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ पर लॉटरी की आवश्यकता है। क्लास 1 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की OBC कैटेगरी में लॉटरी की प्रक्रिया अभी यहाँ पर संपन्न की जाएगी। EWS कैटेगरी में 2 सीट्स रिजर्व थी
जिनके सापेक्ष केवल एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, अतः यहाँ लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न नहीं की जाएगी और एक सीट एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी जाएगी। जनरल कैटेगरी में 5 सीट्स रिजर्व थी जिनके सापेक्ष में 5 आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं और यहाँ पर लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न नहीं की जाएगी। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए कुल ओएच कैटेगरी में 1 सीट रिजर्व थी जिनके सापेक्ष 7 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एसटी कैटेगरी में 1 सीट रिजर्व है जिसके सापेक्ष हमें 39 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एससी कैटेगरी में 3 सीट्स रिजर्व हैं जिनके सापेक्ष 388 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत 6 सीट्स रिजर्व हैं जिनके सापेक्ष 1472 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ पर लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 3 सीट्स हैं जिनके सापेक्ष 155 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जनरल कैटेगरी में कुल 8 सीट रिजर्व हैं जिनके सापेक्ष 898 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो क्लास 1 में बीएचयू एम्प्लॉई वार्ड में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में केवल एक लॉटरी होनी है। शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। क्लास 1 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ओबीसी कैटेगरी 3 सीट रिजर्व है और कुल 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सभी विधायकों से अनुरोध है कि पूरी लॉटरी की प्रक्रिया होने के पश्चात ही यहां से जाएं। बहुत से कम लोगों को ये मौका मिला है लाइव लॉटरी की प्रक्रिया को देखने का। आपके लिए जलपान और भोजन की भी व्यवस्था है, कृपया सहयोग बनाए रखें। लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए क्लास 1 में एक अभिभावक आ जाए सीट नंबर निकालने के लिए। कोई भी एक अभिभावक कक्षा 1 से कुल 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और 3 सीट्स। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपने बच्चे का नाम। मनोरमा कौर, अथर्व कौर। मनोरमा कौर जी हमारे साथ हैं, अथर्व कौर की माता जी। अब आप मैडम इन पर्चियों को मिला के कोई भी एक या दो पर्ची निकाल सकती हैं। इन पर्चियों में से कोई भी 2, 3 या 4 अंक आप अपनी इच्छा अनुसार बोल सकती हैं। 7546। क्लास 1 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ओबीसी कैटेगरी के लिए सीट नंबर आया है। कुल 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और 3 सीट रिक्त हैं। धन्यवाद।
क्लास वन कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके पश्चात दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक सीट आरक्षित है, जिसके सापेक्ष हमें कुल 7 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 जनरल कैटेगरी के, 4 ओबीसी कैटेगरी के और 1 एससी कैटेगरी का छात्र है। कृपया कोई भी एक अभिभावक आ जाए दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों की लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए। सर्वप्रथम आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। सुमनलता ऋषभ भारती। सुमनलता ऋषभ भारती की माता जी हमारे साथ हैं। मैम आप पर्ची मिला के निकाल सकती हैं, पर्ची से मिला लीजिए। आप अपनी क्षमता कोई भी 2 पर्ची, 1 पर्ची निकाल लें और इसमें से कोई भी अंक आप बोल सकती हैं, 2 अंक भी बोल सकती हैं, 3 अंक भी बोल सकती हैं। टू फाइव थ्री टू आपने यही नंबर बोला मैडम। ये पर्ची आप सामने दिखा दें स्क्रीन पर। क्लास वन में दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। क्लास वन में दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसमें हमारे पास 1 सीट रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष कुल 7 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। अदिति यादव जिनका दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी में नाम आया है, अभी स्पष्ट है कि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और अगर ये अपना एडमिशन लेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में जो 6 सीट्स यहाँ पर है उसकी 1 सीट इसी कैटेगरी के थ्रू ली जाएगी, तो कुल 5 अभ्यर्थियों का ही आवेदन एडमिशन होगा। इसके पश्चात क्लास वन में एसटी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसमें केवल 1 सीट है और 39 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कृपया कोई एक अभिभावक आ जाए सीट नंबर निकालने के लिए। अच्छा, 1 से कोई भी एक अभिभावक आ जाए। उनतालीस आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और 1 सीट है। सर्वप्रथम आप अपना नाम बता दें और अपने बच्चे का नाम। विनोद कुमार पाठक, प्रियांशी पाठक। विनोद कुमार पाठक जी हमारे साथ हैं। अब आप पर्चियां मिलाकर अपनी इच्छा अनुसार 1 पर्ची या 2 पर्ची जो चाहे उठा सकते हैं, चाहे आप 3 पर्चियां भी उठा सकते हैं।
अपनी इच्छा अनुसार दो अंक तीन अंक चार अंक आप बोल सकते हैं। 417 आपने यही नंबर बोला सर? 417 ई नंबर है क्लास वन एक्सटर्नल कैंडिडेट की एसटी कैटेगरी के। थर्टी नाइन आवेदन पत्र है और एक सीट रिजर्व है। क्लास वन की एसटी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसके पश्चात एससी कैटेगरी में लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी जिसमें कुल तीन सीट्स हैं और 388 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कोई भी एक अभिभावक आ जाए सीट नंबर निकालने के लिए एससी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न करा देते हैं। कोई भी एक अभिभावक आ जाए क्लास वन के किसी अन्य कक्षा के भी अभिभावक आ सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप आ सकते हैं यहाँ पर सीट वैल्यू को बताने के लिए। सभी विभागों से पुनः अनुरोध है कि पूरी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही यहाँ से जाएं। आप लोगों के लिए नाश्ते और लंच की भी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। प्रवीणा शुक्ला। राजीव दुबे। प्रवीणा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मैडम अब आप बच्चे हम ला सकते हैं, उनमें से कोई भी बच्चे निकाल सकते हैं। एससी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कुल तीन सीट्स रिजर्व है और 388 आवेदन पत्र प्राप्त। में से भी एक अपने इच्छा अनुसार बोल सकते हैं। दो अंक, तीन अंक, चार अंक, आप बोल सकते हैं। 237 ये सीट नंबर है क्लास वन में एससी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। कुल तीन सीट्स रिजर्व है और 388 आवेदन पत्र प्राप्त है। तीन सीट्स रिजर्व है। क्लास वन में एससी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। इसके पश्चात कक्षा एक में ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी जिसमें कुल 6 सीट रिजर्व है और 1472 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। ओबीसी कैटेगरी की 6 सीटों के सापेक्ष कुल 1472 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं
कोई भी एक अभिभावक लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कृपया यहाँ पर आ जाए। एक मिनट बस। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बता दें। संदीप विश्वकर्मा, लावण्या विश्वकर्मा। संदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं, लावण्या विश्वकर्मा के पिताजी। सर आप पर्चियां मिला के उसमें से पर्ची निकाल लें। और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अंक आप बोल सकते हैं। प्राप्त हुआ है। कक्षा एक के एक्सटर्नल कैंडिडेट्स में ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया के लिए। धन्यवाद सर। चौदह सौ बहत्तर आवेदन पत्र है। और कुल छह सीट्स रिजर्व है। क्लास वन में ओबीसी कैटेगरी में लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके पश्चात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसमें कुल तीन सीट्स रिजर्व हैं और 155 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कोई भी एक अभिभावक आ जाएंगे। अच्छा, एक में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कोई भी एक अभिभावक आ जाए। लव पांडे और हार्दिक पांडे। लव पांडे जी हमारे साथ हैं, हार्दिक पांडे के पिताजी। सर आप पर्चियां मिला के उनसे पर्ची निकाल लें। लव पांडे। अब इनमें से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दो अंक, तीन अंक या चार अंक बोल सकते हैं। 730। 730 इट मीन 730। 730 ये सीट नंबर प्राप्त हुआ है क्लास वन में एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जिनमें कुल 155 आवेदनों में से तीन सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
धन्यवाद। तो तीन सीट है, कक्षा एक के लिए EWS कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। अब कक्षा एक में एडमिशन के लिए केवल एक कैटेगरी बच रही है, जनरल कैटेगरी, जिसमें कुल 8 सीट रिजर्व है और 898 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन 8 सीटों पर लॉटरी के लिए कृपया कोई एक अभिभावक आ जाएंगे। कोई भी एक अभिभावक कक्षा एक के, अगर एक के नहीं है तो किसी अन्य कक्षा के भी अभिभावक आ जाए। आप सबसे विनम्र अनुरोध है, कृपया कोई भी एक अभिभावक यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। मुकेश राय, समर राय। समर राय के पिताजी मुकेश राय जी हमारे साथ हैं और अब ये पर्ची निकालेंगे। और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अंक आप इन पर्ची में से देख करके बोल सकते हैं, 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक। 369 है। 3698। ये दोनों पर्ची आप सामने स्क्रीन पर दिखा दें। एक बार पुनः 3698 आपने यही अंक बोला सर? 3698 सीट नंबर है कक्षा एक के, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स में जनरल कैटेगरी के लिए। धन्यवाद। ये कक्षा वन में एडमिशन के लिए अंतिम लॉटरी होगी। अभिभावकों से पुनः अनुरोध है कि लॉटरी के पश्चात भी कक्षा छह की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कृपया आप लोग पूरी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न होने तक हमारा साथ बनाए रखें। ये सीड नंबर है कक्षा एक में जनरल कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया के लिए। कुल 8 सीट रिजर्व हैं, जिनके सापेक्ष 898 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। इसके साथ प्राइमरी कक्षाओं में अंतिम लॉटरी है।
अच्छा, एक में जनरल कैटेगरी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसी के साथ प्राइमरी कक्षाओं की लॉटरी की प्रक्रिया हम लोगों की पूर्ण होगी। सभी विभागों से अनुरोध है कि कृपया अंतिम लॉटरी होने तक हॉल में बने रहें। एक के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। बालवाटिका 2, बालवाटिका 3 और कक्षा 1 में एडमिशन से संबंधित जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगी। 19 अप्रैल को एम्प्लॉई वार्ड और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों का एडमिशन होगा। इसके पश्चात 20 अप्रैल को मेन लिस्ट के और 22 अप्रैल को वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों का भी का एडमिशन होगा। कृपया लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तक आप हॉल में बने रहें। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बने रहें। थोड़ी देर की और बात है, फिर पूरी प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात आप सब आराम से लंच का भी आनंद लेंगे और आप फ्री हो जाएंगे अपने समय के लिए। इसके पश्चात सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी कक्षा 6 के लिए। यहाँ पर भी 50% रिजर्वेशन है। कुल 90 सीट्स अवेलेबल हैं, जिनमें 45 सीट्स बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए रिजर्व हैं और 45 सीट्स एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। कुल 11,556 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड में 4H कैटेगरी में एक सीट रिजर्व है, जिसके सापेक्ष कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। एसटी कैटेगरी में कुल 3 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः ये सीट भी बीएचयू के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी जाएगी। एससी कैटेगरी में कुल 7 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। शेष बची हुई 6 सीटें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित की गई हैं। ओबीसी कैटेगरी में कुल 12 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और 2 बची हुई रिक्त सीटें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 सीट रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः ये सभी 5 सीटें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। जनरल कैटेगरी में कुल 18 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष हमें 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और शेष बची हुई 9 सीटें बीएचयू के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित की गई हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में ओएच के लिए रिजर्व 1 सीट में 1 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, अतः यहां पर हमें लॉटरी की आवश्यकता नहीं है। एसटी कैटेगरी के लिए 3 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष केवल एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, यहाँ पर भी लॉटरी की आवश्यकता नहीं होगी और शेष बची हुई 2 सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को स्थानांतरित कर दी जाएंगी। एससी कैटेगरी में कुल 6 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और बची हुई 4 सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। ओबीसी कैटेगरी में कुल 2 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष हमें 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ पर लॉटरी की आवश्यकता है।
क्लास सिक्स सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ओबीसी कैटेगरी में लॉटरी की प्रक्रिया अभी यहां संपन्न की जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुल 5 सीट्स रिजर्व थी जिनके सापेक्ष एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अतः ये 5 सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में जनरल कैटेगरी के लिए कुल 9 सीट्स रिजर्व थी जिनके सापेक्ष हमें 6 आवेदन ही प्राप्त हुए, अतः शेष बची हुई 3 सीट्स हम एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स में ओएच कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व थी जिनके सापेक्ष हमें 41 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। दिव्यांग वर्ग के 1 सीट के सापेक्ष 41 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ पर लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एसटी कैटेगरी के लिए कुल 5 सीट रिजर्व थी जिनके सापेक्ष 302 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एससी कैटेगरी में कुल 11 सीट रिजर्व है जिनके सापेक्ष 1509 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की कुल 12 सीट के लिए 5855 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 10 सीटों के लिए कुल 678 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जनरल कैटेगरी में कुल 21 सीट्स रिजर्व हैं जिनके सापेक्ष 3132 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कक्षा 6 की लॉटरी की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें लॉटरी जो होनी है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के ओबीसी कैंडिडेट्स की, जिनमें 2 सीट्स रिजर्व हैं और 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। क्लास 6 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ओबीसी कैटेगरी 2 सीट्स रिजर्व है, 9 आवेदन है। कोई भी एक अभिभावक आ जाए कक्षा 6 में लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए, सीट नंबर निकालने के लिए, कोई भी एक अभिभावक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। राम श्रृंगार पटेल, समर पटेल। राम श्रृंगार पटेल जी हमारे साथ हैं, जरा पर्चियां मिला के इनमें से कोई भी एक दो पर्ची निकाल लें। और अब अपनी इच्छा अनुसार इन पर्चियों में से कोई भी आप 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक बोल सकते हैं। सीट नंबर प्राप्त हुआ है कक्षा 6 में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में ओबीसी कैटेगरी की। दो सीटें हैं जिनके सापेक्ष 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके पश्चात सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कक्षा 6 में दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
दिव्यांग वर्ग में एक सीट रिजर्व है और कुल 41 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कोई भी एक अभिभावक यहाँ आएंगे सीट नंबर निकालने के लिए? सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों की लॉटरी के संबंध में एक सीट रिजर्व है और 41 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 15 जनरल, 17 ओबीसी, 5 एससी, 1 एसटी और 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आवेदन हैं। दिव्यांग वर्ग का अभ्यर्थी, जिस भी कैटेगरी का अभ्यर्थी अभी सेलेक्ट होगा, वो अपनी मेन कैटेगरी की लिस्ट की एक सीट के अंतर्गत ही नामांकन उसका लिया जाएगा। की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। अच्छा है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए केवल एक ही सीट आरक्षित है। श्रेयांश पाल दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में एसटी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसमें कुल 5 सीट रिजर्व है। 3 सीट एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थी और 2 सीट बीएचयू एम्प्लॉई वार्ड से ट्रांसफर होकर के आई हैं। कुल 5 सीटों के सापेक्ष 302 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन 5 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कृपया कोई भी एक अभिभावक आकर यहाँ सीट नंबर निकालने के लिए आ जाए। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की एसटी कैटेगरी के लिए कुल 5 सीटों के सापेक्ष 302 आवेदन पत्र प्राप्त है। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। संतोष कुमार, पुत्र का नाम है श्रेयांश। संतोष कुमार जी हमारे साथ हैं, श्रेयांश के पिताजी। सर आप पर्चियां मिला करके निकाल लें। टू जीरो फोर सिक्स टू
0046 सीट नंबर प्राप्त हुआ है एसटी कैटेगरी के लिए, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कक्षा 6 एसटी कैटेगरी के लिए सीट नंबर है 2046। कुल 5 सीट है जिनके सापेक्ष 302 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सीट है इसमें सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में एसटी कैटेगरी के लिए भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके पश्चात एससी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिनमें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए जो 7 सीट रिजर्व थी और 4 सीट बीएचयू एम्प्लॉय अवार्ड से ट्रांसफर होकर आई थी, कुल 11 सीट्स हैं अवेलेबल। इनके सापेक्ष 1509 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कृपया कोई भी एक अभिभावक आकर सीट नंबर निकालने के लिए यहाँ आ जाए। एक अभिभावक आ जाए। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल क्लास 6 एससी कैटेगरी के लिए 11 सीटों के सापेक्ष 1509 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। आशीष सोनकर, मेरे भाई का नाम आशीष सोनकर। आशीष सोनकर जी हमारे साथ हैं। जरा पर्चियां मिला करके उनमें से पर्ची निकाले कोई भी एक दो। से अपनी इच्छा अनुसार कोई भी 2-3 या 4 अंक बोल सकते हैं। 13 13 नंबर 13 सीट नंबर प्राप्त हुआ है 13। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कक्षा 6 की एससी कैटेगरी के लिए भी लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसके पश्चात ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जानी है, जिसमें 12 सीट रिजर्व थी और जिनके लिए 5855 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कृपया कोई भी एक अभिभावक आ जाए लॉटरी की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए, सीट नंबर निकालने के लिए। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कक्षा 6 एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की ओबीसी कैटेगरी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और अपने बच्चे का नाम बताएं। मेरा नाम है रेखा खरवार और बेटा का नाम तेजस खरवार। रेखा खरवार जी हमारे साथ हैं। मैडम आप पर्चियां मिला करके उनमें से कोई भी पर्ची निकाल सकती हैं।
7922 सीट नंबर प्राप्त हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न कक्षा 6 सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल सीट्स अवेलेबल है। 5855 आवेदन पत्र सीट्स हैं। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की कक्षा 6 की ओबीसी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। इसके पश्चात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसमें कुल 10 सीटें हैं। 5 सीट एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थी और 5 बीएचयू एम्प्लॉय के लिए, तो बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड वाली 5 सीट रिक्त रह गई थी। इस वजह से कुल 10 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और इसके सापेक्ष 678 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जानी है। कृपया कोई भी एक अभिभावक आ जाए कक्षा 6 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए। कोई भी एक अभिभावक कैटेगरी में कुल 10 सीट्स अवेलेबल हैं और 678 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले मैम आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। अनामिका श्रीवास्तव, बेटी का नाम है आराध्या श्रीवास्तव। आराध्या श्रीवास्तव की माता जी अनामिका श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। कृपया पर्ची निकालें। डबल 2 डबल 7
2277 ये सीट नंबर है EWS कैटेगरी में लॉटरी की प्रक्रिया के लिए। कुल 10 सीट्स अवेलेबल हैं, 678 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कक्षा 6 EWS कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। इसके पश्चात सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कक्षा 6 की जनरल कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसमें कुल 21 सीट्स रिजर्व हैं, जिनके सापेक्ष 3132 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कोई एक अभिभावक आएंगे कक्षा 6 में एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के जनरल कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए, कृपया कोई भी एक अभिभावक आ जाए। सीट्स अवेलेबल हैं और 3132 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार यादव, मेरे पुत्र का नाम सुमित है। डॉक्टर दिनेश कुमार यादव जी हमारे साथ हैं। सर आप पर्चियां मिला के उनमें से कोई भी एक या दो पर्ची निकाल लीजिए और अब इन पर्चियों में जो भी अंक हैं उनमें से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दो अंक, तीन अंक या चार अंक बोल सकते हैं। सेवन एट थ्री नाइन ये सीट नंबर है कक्षा 6 सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के जनरल कैटेगरी की लॉटरी के लिए। 7839 इनमें सीटों की संख्या है 21, अवेलेबल सीट 21 है और 3132 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। धन्यवाद। संपन्न की जा रही है 21 अवेलेबल सीट्स है, 3132 आवेदन है, जनरल कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया है। लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसी के साथ सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के कक्षा 6 की लॉटरी की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है।
सीखने की। इसके पश्चात सिंपल हिंदू गर्ल्स स्कूल के कक्षा 6 की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अभी अभिभावकों से पुनः अनुरोध है कि अंतिम कक्षा की लॉटरी बची है, कृपया लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तक हॉल में रहें, हमारा सहयोग दें और लंच के बाद अपने घरों में जाएं। इसके पश्चात सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कक्षा 6 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया लॉटरी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कक्षा 6 में कुल 5,778 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें रिक्त 66 सीटों में 33 सीट्स बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए रिजर्व की गई थी और 33 सीट्स एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। बीएचयू परमानेंट स्टाफ की ओएच कैटेगरी के लिए एक सीट रिजर्व है, जिसके सापेक्ष हमें कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः यह एक सीट बीएचयू के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। एसटी कैटेगरी के लिए 3 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष हमें 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और बची हुई 1 सीट बीएचयू के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कक्षा 6 के एससी कैटेगरी के लिए कुल 5 सीट रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष हमें 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहां पर हमें लॉटरी की आवश्यकता है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल परमानेंट स्टाफ की एससी कैटेगरी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया यहां अभी संपन्न की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में कुल 9 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, शेष बची हुई 1 सीट बीएचयू के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 सीट्स रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष हमें कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ये सभी तीनों सीटें सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कुल 13 सीट्स रिजर्व थी, जिनमें 13 आवेदन पत्र हमें प्राप्त हो चुके हैं, अतः लॉटरी की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में ओएच कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व थी, जिसके सापेक्ष हमें कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए, अतः यह 1 सीट एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व थी, जिनके सापेक्ष भी हमें कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है बीएचयू में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की तरफ से, अतः यह 1 सीट भी एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। एससी कैटेगरी के लिए 3 सीट, 1 ही सीट रिजर्व बची नहीं थी, लेकिन फिर भी 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हम लोग लॉटरी कराएंगे वेटिंग लिस्ट के लिए, इसमें जो भी कैंडिडेट्स की लॉटरी होगी वो वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में 10 सीट, 1 सीट रिजर्व थी, जिसके सापेक्ष हमें 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ पर भी लॉटरी की आवश्यकता है, अभी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुल 3 सीट रिजर्व हैं, जिनके सापेक्ष हमें कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ये तीनों सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए स्थानांतरित कर दी गई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 1 भी सीट रिजर्व नहीं थी, 1 भी सीट बची नहीं थी, क्योंकि जनरल कैटेगरी से वो परमानेंट स्टाफ से भरी जा चुकी हैं। 8 एप्लीकेशन
प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट के लिए हम लोग लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। इस प्रकार से सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में बीएचयू वार्ड के लिए चार कैटेगरी में लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स में एक सीट रिजर्व थी और एक बीएचयू स्टाफ की तरफ से स्थानांतरित होकर आई थी, कुल दो सीटें रिजर्व हैं जिनके सापेक्ष हमें 19 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की ओएच कैटेगरी में भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स में एसटी कैटेगरी के लिए कुल 3 सीट्स अवेलेबल हैं जिनके सापेक्ष 132 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एसटी कैटेगरी के कुल 5 सीटों के सापेक्ष 743 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में कुल 9 सीट्स अवेलेबल हैं जिनके सापेक्ष 2953 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुल 7 सीट अवेलेबल हैं जिनके सापेक्ष 298 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जनरल कैटेगरी में कुल 13 सीट्स अवेलेबल हैं जिनके सापेक्ष 1581 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और यहां पर भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस प्रकार सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की कक्षा 6 की लॉटरी की प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग परमानेंट स्टाफ की एससी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल परमानेंट स्टाफ एससी कैटेगरी, कोई भी एक अभिभावक आ जाएंगे लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए, सीट नंबर निकालने के लिए। परमानेंट स्टाफ में 5 सीट अवेलेबल है और 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। नाम वंदना तिवारी है, मेरे बच्चे का नाम नम्रता तिवारी है। वंदना तिवारी जी हमारे साथ है, मैडम आप पर्चियां बना के उनसे कोई भी दो पर्ची निकाल दें। परमानेंट स्टाफ की एससी कैटेगरी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अब इनमें से आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी अंक देंगे बता दें। सीट नंबर है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल परमानेंट स्टाफ एससी कैटेगरी के लिए। पांच सीट अवेलेबल है और 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कक्षा 6 परमानेंट स्टाफ की एससी कैटेगरी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, जिसमें 5 सीट थी जिनके सापेक्ष 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।
इसके पश्चात सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के एससी कैटेगरी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की एससी कैटेगरी में कोई भी सीट अवेलेबल अभी नहीं है, लेकिन फिर भी 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी वेटिंग लिस्ट के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ एससी कैटेगरी में लॉटरी के लिए कृपया कोई भी एक अभिभावक आ जाएंगे। चूंकि ये लॉटरी वेटिंग लिस्ट के लिए हो रही है इसलिए इसको कलर नहीं किया जाएगा। कोई भी एक अभिभावक आ जाए, BHU कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ एससी कैटेगरी के लिए जो लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है इसमें सीट्स कोई भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो लॉटरी की जाएगी वो वेटिंग लिस्ट के लिए लॉटरी की जाएगी। अगर कंफर्म सीट में कोई भी अभ्यर्थी सीट छोड़ेगा उसके पश्चात लॉटरी से जो रिजल्ट आया है उसी के हिसाब से मौका मिलेगा एडमिशन का। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बता दें। मेरा नाम अनुज कुमार मिश्रा है, बच्चे का नाम नितांशी। अनुज कुमार मिश्रा जी हमारे साथ। मनोज कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर आप पर्ची बॉल को मिक्स कर लें और पर्ची निकाल लें। ये सीट नंबर है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कक्षा 6 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की एससी कैटेगरी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया में। ये लॉटरी की प्रक्रिया वेटिंग लिस्ट के लिए संपन्न की जा रही है। इसके पश्चात सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ओबीसी कैटेगरी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी जिसमें 1 सीट अवेलेबल है और 10 एप्लीकेशन फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं। 1 सीट के सापेक्ष 10 एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं, अतः यहां लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। कोई भी एक अभिभावक आ जाएंगे सीट नंबर निकालने के लिए। कोई भी एक अभिभावक कृपया यहाँ पर आ जाए लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए। किसी भी कक्षा के अभिभावक आ सकते हैं। इसके बाद भी कुछ लॉटरियां और होनी है, कृपया अभिभावक तैयार रहें। आप जितनी सतर्कता दिखाएंगे उतना शीघ्रता से हमारा ये काम संपन्न होगा। आप अपना नाम और बच्चे का नाम बताएं। नीतीश कुमार और सृष्टि। नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं। ये सीट नंबर है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कक्षा 6 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ओबीसी कैटेगरी के लिए 9795। 1 सीट अवेलेबल है
और 10 आवेदन पत्र प्राप्त किए हैं। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ओबीसी कैटेगरी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके पश्चात कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में जनरल कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसमें अभी अवेलेबल सीट्स एक भी नहीं है, कोई भी सीट अभी रिक्त नहीं है, लेकिन 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अतः जो लॉटरी की प्रक्रिया की जाएगी वो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। परमानेंट स्टाफ में 13 सीट्स अवेलेबल थी जो कि भरी जा चुकी हैं। अतः जो 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं वो वेटिंग लिस्ट के लिए लॉटरी की प्रक्रिया के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। मैं डॉक्टर उत्तम गिरी, बच्ची के नाम अभिषेक तक गिरी। उत्तम गिरी, अभिषेक तक गिरी, माइक पर। मेरा नाम उत्तम गिरी। उत्तम गिरी जी हमारे साथ हैं। आप पर्ची मिक्स करके सर निकाल लें और इनमें से कोई भी अंक आप अपनी इच्छा अनुसार खोल दीजिए। सिक्स नाइन नाइन फाइव। ये सीट नंबर प्राप्त हुआ है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के जनरल कैटेगरी की लॉटरी के लिए। 6995। ये लॉटरी की प्रक्रिया भी वेटिंग लिस्ट के लिए संपन्न की जा रही है। जनरल वार्ड की सभी सीटें परमानेंट स्टाफ के द्वारा भरी जा चुकी हैं, इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की जो 8 एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं ये वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कक्षा 6 के लिए अब अगली लॉटरी दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होगी, जिसमें कुल 2 सीट रिजर्व हैं और उसके सापेक्ष 19 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। ओएच कैटेगरी में 2 सीट्स अवेलेबल हैं और 19 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कैटेगरी के लिए दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इसमें कुल 2 सीट्स हैं और 19 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4 जनरल, 13 ओबीसी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म है। धन्यवाद सर।
एक बार पुनः मैं बता दूं कि दिव्यांग वर्ग का जो भी अभ्यर्थी मेन लिस्ट में आएगा वो अपने मेन लिस्ट में मेन कैटेगरी लिस्ट से ही अपनी सीट्स को अवेल करेगा ग्रहण करेगा। दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों की भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पश्चात सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कक्षा 6 के लिए एसटी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एसटी कैटेगरी में कुल 3 सीट्स अवेलेबल हैं, जिनके सापेक्ष 132 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कृपया के अभिभावक आ जाएंगे सीट नंबर निकालने के लिए। 3 सीट्स अवेलेबल हैं और 132 आवेदन पत्र प्राप्त। सबसे पहले आप अपना नाम और बच्चे का नाम बता दें। संतोष कुमार राय, सिवान मंडल में। संतोष कुमार राय भी हमारे साथ हैं। सर, वो पर्चियां मिलाकर फिर में से कोई भी 2 पर्चियां आप निकाल लें, या एक भी निकाल सकते हैं या 3 भी, और अपनी इच्छा अनुसार इसमें से कोई भी अंक आप बोल दीजिए। दोनों पर्चियां सामने करके स्क्रीन सीट नंबर है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एसटी कैटेगरी 3 सीट्स अवेलेबल हैं इस कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। एससी कैटेगरी की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसमें 5 सीट्स अवेलेबल हैं और कुल 743 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 5 सीट्स अवेलेबल हैं और 743 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कृपया को संपन्न कराने के लिए सीट नंबर निकालने के लिए कोई भी एक अभिभावक आ जाए। कोई भी एक अभिभावक आ जाए, किसी अन्य क्लास के अभिभावक, या तीनों को मिला के कोई 4 अंक बना के बोल सकते हैं जिससे अपेक्षा। 01 02 इस लॉटरी के पश्चात 3 अन्य कैटेगरी में एक लॉटरी के प्रति और बाकी है। इसके पश्चात कृपया 3 अभी
लास्ट कैटेगरी है ये आज की इस पूरी लॉटरी प्रक्रिया की, इसके पश्चात एक अंतिम लॉटरी होनी है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में कुल 13 सीट्स अवेलेबल हैं, जिनके सापेक्ष 1581 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम बता दें। संदीप कुमार अनुपम, मेरे बच्चे का नाम है आदित्य श्रेयांश। संदीप कुमार अनुपम जी हमारे साथ हैं। इन पर्चियों में अंकित अंकों में से आप कोई भी अंक अपनी इच्छा अनुसार 2 अंक 3 अंक या 4 अंक बोल सकते हैं। ये सीट नंबर प्राप्त हुआ है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की जनरल कैटेगरी के लिए। अच्छा, 6 में एडमिशन के लिए 23 अप्रैल को मेन लिस्ट के एडमिशन होंगे और 25 अप्रैल को वेटिंग लिस्ट के एडमिशन होंगे। एडमिशन संबंधित सभी सूचनाएं बीएचयू की वेबसाइट्स पर अपडेट की जाएंगी। इसी के साथ ये लॉटरी की प्रक्रिया जनरल वार्ड की, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के जनरल वार्ड की संपन्न होती है। यह इस लॉटरी प्रक्रिया की अंतिम लॉटरी थी। आप सभी को
विभिन्न कक्षाओं में सीटों की स्थिति और लॉटरी की स्थिति जानने के लिए हम एक बार फिर से पुनः देख लेंगे। बालवाटिका 2 LKG में परमानेंट स्टाफ में OH कैटेगरी में कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, ST कैटेगरी में भी कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, SC कैटेगरी में 18 सीट्स रिजर्व थी जिनके सापेक्ष केवल 3 आवेदन आए थे। बाल वाटिका जनरल में 43 सीट्स थी और 689 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जनरल कैटेगरी में LKG में 43 सीट्स थी, सेक्शनल कैटेगरी 43 सीट्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली जी, ठीक है। अब सर SC सेलेक्ट करिए सीट। SC कैटेगरी में 13 सीट्स अवेलेबल थी और 227 आवेदन थे। आवेदन हम बताएंगे सीट थी, ST कैटेगरी में 9 सीट्स, OBC कैटेगरी में 14 सीट्स अवेलेबल थी जिनके लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई। EWS कैटेगरी में 12 सीट्स अवेलेबल थी जिनके लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। दिव्यांग वर्ग में 3 सीट्स अवेलेबल थी लेकिन लॉटरी की प्रक्रिया नहीं है। 3 सीट अवेलेबल थी, 2 लोग फॉर्म थे, दोनों जो है सेलेक्ट हो गए जी। 3 सीट्स अवेलेबल थी, 2 ही एप्लीकेशन आई थी, दोनों का एडमिशन हो गया, लॉटरी की प्रक्रिया नहीं की। बाल वाटिका 2 में परमानेंट स्टाफ में
5 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, 49 सीट अवेलेबल थी, लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न नहीं की गई है, सभी का एडमिशन हो गया। एम्प्लॉई परमानेंट एससी कैटेगरी में 18 सीट्स अवेलेबल थी, 15 ही आवेदन 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं थी। एम्प्लॉई परमानेंट ओबीसी कैटेगरी में 32 सीट्स अवेलेबल थी और केवल 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, अतः लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल जनरल में 44 सीट्स अवेलेबल थी जिनमें एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, अतः लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न नहीं की गई है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल एससी में 15 की जरूरत नहीं पड़ी, सारे लोग एलिजिबल पा गए, 15 सीट्स अवेलेबल थी। बाल वाटिका 2 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में 2 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई। दोनों का प्रवेश हो गया। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल ओबीसी में 23 सीट्स अवेलेबल थी, केवल 9 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए, अतः लॉटरी की प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं हुई और सभी का नामांकन हो गया है। बाल वाटिका 3 जनरल कैटेगरी में कुल 14 सीट्स अवेलेबल थी जिनके सापेक्ष 290 आवेदन से लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। ईडब्ल्यूएस बाल वाटिका 3 में एससी कैटेगरी के लिए 4 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। एक्सटर्नल कैंडिडेट की एसटी कैटेगरी की 2 सीटों के लिए भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की है। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स में ओबीसी कैटेगरी की 6 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। पीसी कैटेगरी में ओएच कैटेगरी में 1 सीट के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। एम्प्लॉई परमानेंट ओबीसी में 6 सीट्स अवेलेबल थी, केवल 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं थी। दोनों का नामांकन हो गया। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल जनरल 8 सीट अवेलेबल थी जिनमें से 2 ही एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं है। दोनों का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल एससी कैटेगरी में 3 सीट अवेलेबल थी जिनके सापेक्ष 2 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं है। दोनों का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल ओबीसी में 4 सीट्स अवेलेबल थी जिनके लिए नामांकन की प्रक्रिया लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। क्लास 1 जनरल कैटेगरी की 8 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। एससी कैटेगरी की 3 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। एसटी कैटेगरी में 1 सीट के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। ओबीसी कैटेगरी की 6 सीटों के लिए आज लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 3 सीटों के लिए आज लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हुई है। ओएच कैटेगरी की 1 सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न की गई है। एम्प्लॉई परमानेंट जनरल स्टाफ के लिए 8 सीट अवेलेबल थी, 3 ही एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, अतः लॉटरी की कोई आवश्यकता नहीं हुई और सभी का नामांकन हो गया है। एससी कैटेगरी के लिए
तीन सीट अवेलेबल थी, दो एप्लीकेशन आई है, अतः नामांकन लौटने की आवश्यकता नहीं हुई और नामांकन दोनों का हो गया है। एम्प्लॉय परमानेंट ओबीसी 6 सीट अवेलेबल थी, 3 एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुए, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई और तीनों का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल जनरल 5 सीट अवेलेबल थी और 5 ही एप्लीकेशन थी, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई, सभी का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल एससी में 1 सीट अवेलेबल थी और 1 ही एप्लीकेशन फॉर्म था, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई, नामांकन हो गया है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल एसटी कैटेगरी में 1 सीट अवेलेबल थी और 1 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, अतः उनका नामांकन हो गया है। क्लास 1 में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ओबीसी के लिए 3 सीट अवेलेबल थी जिनके लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है आज। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल ईडब्ल्यूएस में 2 सीट अवेलेबल थी, 1 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई, नामांकन हो गया। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में जनरल कैटेगरी की 21 सीटों के लिए आज लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई। इसके पश्चात एससी कैटेगरी की 11 सीटों के लिए आज लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई। क्लास 6 सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, क्लास 6 सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की एसटी कैटेगरी की 5 सीटों के लिए आज लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई। क्लास 6 सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल ओबीसी कैटेगरी की 12 सीटों के लिए भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल क्लास 6 की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 10 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई। दिव्यांग वर्ग की 1 सीट के लिए लॉटरी की प्रक्रिया कक्षा 6 के लिए संपन्न की गई। इसके पश्चात एम्प्लॉई परमानेंट जनरल में 18 सीट अवेलेबल थी, 9 एप्लीकेशन प्राप्त हुई, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई, सभी का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉई परमानेंट एससी कैटेगरी में 1 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई है, नामांकन स्वयं हो गया है। एम्प्लॉई परमानेंट ओबीसी कैटेगरी में 10 एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और 12 सीट अवेलेबल थी, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई, सभी का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल जनरल, एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल जनरल में 9 सीट अवेलेबल थी, 6 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई, सभी का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल एससी कैटेगरी में 6 सीट अवेलेबल थी, 2 ही नामांकन पत्र प्राप्त हुए, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई, सभी का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल एसटी कैटेगरी में 3 सीट अवेलेबल थी, 1 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई, सभी का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल ओबीसी में 2 सीट अवेलेबल थी जिनके लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रेक्चुअल पीसी 1 सीट अवेलेबल थी और 1 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई। इसके पश्चात सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल क्लास 6 में जनरल कैटेगरी की 13 सीटों के लिए नामांकन लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल क्लास 6 की एससी कैटेगरी की 5 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया आज संपन्न की गई। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल क्लास 6 की एसटी कैटेगरी की 3 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया आज संपन्न की गई। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल क्लास 6 ओबीसी कैटेगरी की 9 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया आज संपन्न की गई। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल क्लास 6 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 7 सीटों के लिए भी लॉटरी की प्रक्रिया आज संपन्न की गई। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की क्लास 6 की दिव्यांग वर्ग की 1-2 सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है।
परमानेंट जनरल स्टाफ के लिए 13 सीट अवेलेबल थी, 13 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई, सभी का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉय परमानेंट एससी कैटेगरी की 8 एप्लीकेशन थी, 5 सीटें थी, अतः 5 सीटों के लिए आज लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई। एम्प्लॉय परमानेंट एसटी कैटेगरी की 2 फॉर्म आए थे, 3 सीट्स अवेलेबल थी, अतः लॉटरी की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ी, दोनों का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉय परमानेंट ओबीसी कैटेगरी में 8 एप्लीकेशन आई थी, 9 सीट्स अवेलेबल थी, अतः लॉटरी की आवश्यकता नहीं हुई, सभी का नामांकन हो गया है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल जनरल में लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है और ये लॉटरी की जो प्रक्रिया है ये वेटिंग लिस्ट के लिए संपन्न की गई है क्योंकि मेन लिस्ट में कोई भी सीट बची नहीं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल एससी कैटेगरी की लिए भी जो लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है ये वेटिंग लिस्ट के लिए ही की गई है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल ओबीसी में 1 सीट के लिए लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई है। अरे उसे स्क्रीन पे दिखा रहा था। इसी के साथ आज लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं सीमा मैम को अवगत करूंगा। धन्यवाद विकास सर। जैसा कि हम सभी ने देखा कि यहाँ पर उन विभिन्न कैटेगरीज में लॉटरी की प्रक्रिया की गई है जहाँ भी अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त सीटों की संख्या से अधिक थी, जहाँ भी अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त सीटों की संख्या से कम थी वहाँ पर चूंकि लॉटरी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी इसलिए हमें वहाँ पर हमने यहाँ पर लॉटरी नहीं की, लेकिन उन सभी छात्रों का जो प्रवेश था वो सुनिश्चित हो गया है। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल प्राचार्य डॉक्टर स्वाति अग्रवाल मैम से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए एवं धन्यवाद ज्ञापन कर हमारे अतिथियों को धन्यवाद दें। यहाँ हमारे समक्ष बहुत सारे अभिभावकगण अभी भी धैर्य के साथ उपस्थित हैं। ई लॉटरी कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसको सफल बनाने में सभी का योगदान है। सर्वप्रथम माता एनी बेसेंट तथा मानवीय जी को नमन करते हुए आज कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय कुलपति जी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात हमारे तीनों स्कूलों की उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सुषमा गिडियाल जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रोफेसर जीपी सिंह सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्रक्रिया को समझाया और आगे बढ़ाया और सफलतापूर्वक संपन्न कराया। सेंट्रल ऑब्जर्वेशन टीम मेंबर्स प्रोफेसर अखिलेंद्र पांडे प्रोफेसर डी के दुरैया जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ई लॉटरी कमेटी मेंबर्स प्रोफेसर डीपी सिंह सर प्रोफेसर संजय कुमार सर प्रोफेसर राकेश पांडे सर प्रोफेसर एस श्री कृष्णा सर डॉक्टर राघवेंद्र चौबे सर दोनों स्कूल के प्राचार्य उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। प्रोफेसर हरवंश मिश्रा जी जो कि समन्वयक के रूप में हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहे उस समय और जो है कार्यक्रम में सहयोग किया और उनकी टीम को भी मैं टीम के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। स्कूल बोर्ड मेंबर्स के सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। पीपीसी मेंबर्स तथा सेट मेंबर्स जो हमारे स्कूल एडमिशन फेस्ट के मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम का संचालन करने के लिए डॉक्टर सीमा सिंह एवं विकास चंद्र शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात इनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और सबसे मुख्य व्यक्ति हमारे जो एआर सर हैं ऋषभ तिवारी जी उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ।
मीडिया से, मीडिया और प्रेस से जुड़े प्रोफेसर राजेश सिंह जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। हमारे वीडियोग्राफर विभास जी के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संजय जी जो जिनके वजह से हमें ये हॉल प्राप्त हुआ और यहाँ पर आयोजन किया जा सका, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। संपूर्ण व्यवस्था के लिए सभी जो भी सहयोगी यहाँ पर हैं जिनका नाम शायद मैंने यहाँ नहीं किया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सपोर्टिंग स्टाफ के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे चीफ प्रोफेसर सर प्रोफेसर शिव प्रकाश जी और उनके सहयोगी गण, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, हमारे जो आयोजक टीम है उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और बाहर जितने भी उनके सहयोगी गार्ड्स हैं उनका भी मैं बहुत अब मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए पश्चात ही यहाँ से व्यवस्था करें, अपनी विनम्र अनुरोध।